एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी और यूजफुल वर्क के बारे में एक रिलेशन ड्राइव करवाऊंगा भाई, ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टाइप ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक हो गया भाई। वर्क कितने प्रकार का होता है, तो देखो भाई वर्क दो टाइप से होता है, समाया वर्क कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला जो वर्क का टाइप है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्क, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वर्क। दूसरा जो वर्क होता है उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वर्क, क्या बोलते हैं भाई, नॉन मैकेनिकल वर्क, ठीक हो गया भाई। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई। यूट्यूब पे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बहुत कम वीडियोज मिलेंगी, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखना। देखो भाई मेरे पास एक सिलेंडर है समय, और इस सिलेंडर में क्या है, एक पिस्टन है, ठीक हो गया भाई। इसके अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं या गैस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक हो गया भाई। अब क्या हुआ, तुमने इस सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी समय, क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते ही समय ये पार्टिकल्स की जो इंटरनल एनर्जी थी वो क्या हुई, इंक्रीज हुई समय भाई। यानी कि यहाँ पर आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा भाई, ठीक हो गया। तो देखो भाई इस चीज में आपको जितना भी वर्क करना पड़ा, दैट वर्क इज नोन एज मैकेनिकल वर्क समय। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सिस्टम से कुछ हीट ली और हीट लेने के बाद सिस्टम क्या कर गया, कंप्रेस कर गया, तो उतने में जो भी वर्क डन करना पड़े दैट इज मैकेनिकल वर्क समय। तो मैकेनिकल वर्क में हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, क्या आएगा, वॉल्यूम विल बी चेंज। अगला देखो भाई, जो अगला वर्क डन है वो है नॉन मैकेनिकल वर्क डन। तो देखो नॉन मैकेनिकल वर्क डन क्या होता है, देखो आपके पास ये सिस्टम है, ठीक हो गया, यहां पे क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक हो गया भाई। तो देखो ये आपके पास पार्टिकल्स है, गैस के पार्टिकल्स है, लेट अस कंसीडर अंदर ये गैस के पार्टिकल्स क्या है, ठीक ठाक तरीके से अरेंज्ड है, समय से सॉलिड पार्टिकल मत समझना। तो आपने इसे कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी, कुछ अमाउंट ऑफ क्या कर दी, हीट दे दी समय। हीट देने के बाद क्या हुआ, देखो भाई हीट देने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया समय, वॉल्यूम यहाँ पे जो था सिमिलर वॉल्यूम यहाँ पे भी रहा भाई समय, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। तो देखो वॉल्यूम में चेंज नहीं आया लेकिन गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या हो गए, थोड़ा दूर दूर हो गए। देखो भाई तो क्या हुआ यहाँ पे, वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आया लेकिन गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या हो गए, दूर दूर हो गए भाई, ठीक हो गया। यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था भाई समाया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है समाया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, ठीक है भाई। देखो जब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाए, इट मीन्स पार्टिकल पहले बहुत पास पास थे भाई समाया, एंट्रोपी क्या थी, बहुत कम थी, अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो रिड्यूस हो गया, इट मींस दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गई भाई। तो इट मींस रैंडमनेस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, रैंडमनेस इंक्रीज का मतलब एंट्रोपी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इट मींस जैसे ही हमने सिस्टम को हीट दिया, हीट देने के बाद उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आया लेकिन पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इट मींस एंट्रोपी जो थी वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है समाया। तो इस टाइप के वर्क डन को बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वर्क डन समाया। याद रखना इस वर्क डन में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्या होगा, वॉल्यूम विल नॉट चेंज समाया भाई। तो वर्क डन दो टाइप का होता है, पहला है मैकेनिकल वर्क डन जिसमें वॉल्यूम चेंज होता है, दूसरा है नॉन मैकेनिकल वर्क डन, इट मींस पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया है और एंट्रोपी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई भाई समाया। तो देखो नॉन मैकेनिकल की डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूं, नॉन मैकेनिकल की डेफिनेशन क्या होती है, देखो भाई नॉन मैकेनिकल की डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा, this is work done by the system
टू इंक्रीज द एंट्रोपी, टू इंक्रीज द एंट्रोपी, टू इंक्रीज द एंट्रोपी बाय रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, बाय रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स। समझाया भाई? याद रखना यहां पे वॉल्यूम डज नॉट चेंज, समझाया? बट यहां पे ये भी लिख लेना, बट वॉल्यूम डज नॉट चेंज, जो वॉल्यूम है वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज। समझाया भाई? देखो भाई इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं वर्क ऑफ एक्सपेंशन, क्या बोल सकता हूं, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। समझाया? और इस वाले जो वर्क डन को मैं बोल सकता हूं वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, क्या बोल सकता हूं, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, नॉन एक्सपेंशन। समझाया भाई? बहुत अच्छे से याद रखना कि मैकेनिकल वर्क डन क्या होता है और नॉन मैकेनिकल वर्क डन क्या होता है। देखो भाई एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, इसके बाद आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि मैकेनिकल वर्क डन क्या है और नॉन मैकेनिकल वर्क डन क्या है। भाई देखो भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2O है, वाटर मॉलिक्यूल है। समय वाटर मॉलिक्यूल को मैंने क्या कर दिया, डिकम्पोज किया H2+O2 में। समय भाई H2+O2 में डिकम्पोज कर दिया। तो देखो भाई ये कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो भाई बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, यहां पे मैकेनिकल वर्क डन भी हो रहा है और नॉन मैकेनिकल वर्क डन भी हो रहा है। देखो ये क्या है, लिक्विड, और ये क्या है, गैस, और ये क्या है, गैस। समझा भाई? तो इट मींस जो सिस्टम था वो क्या था, लिक्विड स्टेट में था। समझा भाई? ये वाटर है H2O, लिक्विड है, ठीक हो गया भाई। अब क्या हुआ, जैसे ही रिएक्शन हुई ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। समझा भाई? तो गैस में कन्वर्ट हो गया तो वॉल्यूम एकदम से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और पार्टिकल्स में क्या आ गया, रैंडमनेस आ गया। समझा? तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दो टाइप का वर्क हो रहा है। समझा? एक वर्क है एक्सपेंशन वाला, उस एक्सपेंशन वाले वर्क डन को, एक वर्क है एक्सपेंशन वाला और उस एक्सपेंशन वाले वर्क डन को मैंने क्या बोला है, मैकेनिकल वर्क डन बोला है। क्या बोला है, मैकेनिकल वर्क डन। समझा? और देखो भाई दूसरा वर्क क्या हुआ है, दूसरा वर्क हुआ है कि किस तरह से H2O H2+O2 में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। एक वर्क तो मुझे दिख रहा है कि पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ी और उसने क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया, दैट इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड नॉन एज मैकेनिकल वर्क। लेकिन लेकिन एक और वर्क डन हुआ है, समय जिसके कारण क्या हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है, जो H2O था वो H2+O2 में क्या हो गया है, H2+O2 में क्या हो गया है, डिकम्पोज हो गया है। समय भाई? देखो भाई तो मैं यहां पे बोल सकता हूं द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। समाया? क्यों इंक्रीज हो गया है, जो प्रोडक्ट्स थे, जो प्रोडक्ट थे H2 और O2, वो दोनों के दोनों क्या थे, गैसेस थे। समाया? क्यों इंक्रीज हो गया है, द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो लाइसिस आर गैसेस, आर गैसेस। समय? और इसमें जो वर्क हुआ दैट वर्क इज नोन एज मैकेनिकल वर्क, इस वर्क को क्या बोला, मैकेनिकल वर्क बोला, मैकेनिकल वर्क, ठीक हो गया भाई। अब देखो एक और चीज हुई है, क्या चीज हुई है, द यूजफुल वर्क दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इंटू H2 और O2। तो देखो एक और यूजफुल वर्क डन हुआ है, द यूजफुल वर्क, क्या बोलूंगा, द यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड, दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड
ऑब्टेंड इज द डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O इंटू H2 एंड O2। समाया दैट इज नॉन मैकेनिकल वर्क डन, दैट इज नॉन मैकेनिकल वर्क डन, नॉन मैकेनिकल वर्क डन। देखो भाई ये था एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल था भाई। देखो क्या एग्जाम्पल था, मेरे पास H2O था, मैंने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इसको इलेक्ट्रिसिटी दी। समय तो इसमें क्या हुआ, ये जो रिएक्टेंट थे वो लिक्विड थे, जो प्रोडक्ट थे वो गैसियस स्टेट में थे। समय तो इट मींस एक तो इसमें वर्क हो गया, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, समय जिसको मैंने क्या बोल दिया, मैकेनिकल वर्क बोला। एक दूसरा टाइप का वर्क हुआ जिसने H2O को किस में डिकम्पोज कर दिया, ट्वाइस H2+O2 में कन्वर्ट कर दिया भाई। समय और इस वर्क को मैंने क्या बोला, नॉन मैकेनिकल वर्क बोला। और यही वर्क क्या है, यूजफुल वर्क है भाई, यही वर्क क्या है, यूजफुल वर्क है। तो यानी कि नॉन मैकेनिकल वर्क डन को, नॉन मैकेनिकल वर्क को मैं क्या भी बोल सकता हूँ, यूजफुल वर्क बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, यूजफुल वर्क। समाया तो जो वर्क था वो कौन सा वर्क था, वो था यूजफुल वर्क, जिसकी वजह से H2O H2+O2 में कन्वर्ट हो गया भाई। ठीक हो गया। तो देखो अब मैं रिलेशन कराऊंगा गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और यूजफुल वर्क के बारे में। तो सबसे पहले मैंने डिस्क्राइब कराया कि यूजफुल वर्क क्या होता है भाई, तो यूजफुल वर्क नॉन मैकेनिकल वर्क ही है भाई। ठीक हो गया। अब देखो भाई रिलेशन निकालने से पहले मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके लिए लिख देता हूं। समय मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ मैंने आपको बताया था du इज इक्वल्स टू dq+dw। समझ आया भाई, अगर एक्सपेंशन होता है, क्या होता है, एक्सपेंशन। समझ आया, तो एक्सपेंशन के लिए जो वर्क डन है dw, उसका जो साइन है वो क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है भाई, निगेटिव। तो यानी कि du इज इक्वल्स टू dq-dw। समाया इट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट dq इज इक्वल्स टू du+dw। यही तो बात हो गई भाई। और ये किस चीज के लिए है, एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन। अगर यही चीज कंप्रेशन में लिखी जाए, यही चीज कंप्रेशन के टर्म में लिखी जाए, तो du इज इक्वल्स टू क्या होता है, dq+dw। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर कंप्रेशन हो रहा है भाई, समय तो कंप्रेशन के लिए जो dw होता है वो होता है पॉजिटिव। क्या होता है भाई, पॉजिटिव। ठीक हो गया भाई। अगर पॉजिटिव होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, du, ये dw इधर को माइनस आ गया, और दैट इज इक्वल्स टू dq। समय और इट इम्प्लाइज दैट dq इज इक्वल्स टू क्या आएगा, du-dw। और ये किसके केस में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कंप्रेशन के केस में, कंप्रेशन के केस में। ठीक हो गया भाई। अब मुझे निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन डेल जी एंड यूजफुल वर्क। क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड यूजफुल वर्क। मैं उसको क्या लिख दूं, डब्ल्यू यूजफुल। इनके बीच में मुझे रिलेशन निकालना है। ठीक है। तो देखो भाई मैंने एक्सपेंशन का एक केस ले लिया। कैसे केस लिया, देखो भाई मेरे पास एक कंटेनर था। समय इस कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ है। समय तो देखो भाई मैंने इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया। पहले मॉलिक्यूल क्या हुए, एक दूसरे से सेपरेट हुए, थोड़ा दूर दूर हुए, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम जो था वही था, लेकिन थोड़ा मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या हो गए, दूर दूर हो गए। समय अब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, और इंटरनल एनर्जी के कारण इन्होंने उसको धक्का दे दिया ऊपर को, तो पिस्टन की पोजीशन अब ऊपर हो गई भाई। समय इस तरह से पिस्टन की पोजीशन क्या हो गई है, ऊपर हो गई है। ठीक है भाई।
तो ऊपर जो वर्क डन हुआ ये वाला, इसको बोलते हैं वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन या नॉन मैकेनिकल वर्क डन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वर्क डन, नॉन मैकेनिकल वर्क डन। समझ आया? दूसरी बार जब हुआ, जब इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो अब क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ। इसे वर्क ऑफ एक्सपेंशन भी बोलते हैं और क्या भी बोलते हैं? मैकेनिकल वर्क डन भी बोलते हैं, मैकेनिकल वर्क डन भी बोलते हैं। ठीक हो गया भाई? तो ये एक सिस्टम मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेंशन ही हो रहा है। तो जो मैं यूज करूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करूंगा और कौन सी कंडीशन लूंगा? एक्सपेंशन का। तो क्या बोलूंगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। समय? और ये कौन सी कंडीशन है? एक्सपेंशन की कंडीशन है, एक्सपेंशन की। समाया? तो एक्सपेंशन में मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया भाई। देखो, तो देखो भाई, देखो मैंने क्या बोला था, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। ठीक हो गया? यहां पे वर्क दो टाइप का हो रहा है, पहले नॉन एक्सपेंशन हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसको लिखूंगा डी यू प्लस, यहां पे जो वर्क था वो दो टाइप का था, एक वर्क था एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन का, और दूसरा जो वर्क है वो क्या है? नॉन एक्सपेंशन का, नॉन एक्सपेंशन। मैं नॉन मैकेनिकल भी लिख सकता हूं इसे, देखो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हुआ? ये हुआ डी यू, जो एक्सपेंशन का वर्क है उसे पी डी वी बोलते हैं भाई। समाया? प्लस ये क्या है? डब्ल्यू ऑफ नॉन एक्सपेंशन, नॉन मैकेनिकल लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन मैकेनिकल और नॉन एक्सपेंशन एक ही है भाई, नॉन मैकेनिकल। समाया? अब देखो भाई, अब देखो मैंने आपको एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखाई थी, डेल एच इज इक्वल्स टू क्या होता है? डी यू प्लस पी डी वी, ये होता है भाई। तो यहां पे सेम है, ये क्या बना? एंथैल्पी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डेल एच, डेल एच प्लस डब्ल्यू ऑफ नॉन एक्सपेंशन, नॉन एक्सपेंशन या नॉन मैकेनिकल लिख दो, हर बार अलग हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डेल एच प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन या डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल। देखो भाई हमें और चीज भी पता है, क्या पता है? अगर मैं एंट्रोपी डिफाइन करना चाहता हूं तो डेल एस इज इक्वल्स टू क्या होता है? डी क्यू बाई टी होता है। तो यानी कि टी डेल एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी क्यू। समझ आया भाई? तो डी क्यू का वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो यह आएगा टी डी एस इज इक्वल्स टू डेल एच प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, नॉन एक्सपेंशन। समझ आया भाई? और देखो, और देखो, तो यहां आ जाएगा, इसे इस साइड को ले आओ, इसे इस साइड को ले आओ भाई। तो W नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा? डेल एच माइनस टी डी एस। समझ आया भाई? और हमें पता है जो डेल जी होता है वो क्या होता है? डेल एच माइनस टी डेल एस। समय? ये ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो में करा चुका हूं भाई, जिसमें मैंने स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया था। ठीक हो गया भाई? तो यानी जो डब्ल्यू ऑफ नॉन एक्सपेंशन है, डब्ल्यू ऑफ नॉन एक्सपेंशन है भाई, समाया, वो किसके बराबर हो गया? वो किसके बराबर हो गया? डेल जी के बराबर हो गया। और इसके साथ यहाँ पे निगेटिव था, उसे उस साइड कर लो। तो यानी कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन, W नॉन एक्सपेंशन। समय? या इसको क्या भी बोल सकते हैं, इसको क्या भी बोल सकते हैं, जो माइनस डेल जी है वो किसके बराबर है? यूजफुल वर्क डन के बराबर, यूजफुल वर्क डन के बराबर, यूजफुल वर्क लिख देता हूं। समय? तो ये मैंने प्रूव करना था कि जो फ्री एनर्जी है उसमें डिक्रीज किसके बराबर होता है? यूजफुल वर्क के बराबर होता है। समय भाई? तो देखो, तो देखो, तो देखो भाई,
यूजफुल वर्क मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यूजफुल वर्क क्या है भाई। देखो भाई, जो फ्री एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी समाया, जिसको मैंने क्या बोला है, जी जी को फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं समाया, वो क्या होता है। फ्री एनर्जी जी ऑफ अ सिस्टम इज अ मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू डू यूजफुल वर्क डन। तो देखो भाई, जो फ्री एनर्जी है किसी सिस्टम की समाया, वो क्या करता है, मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू डू यूजफुल वर्क डन, मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी, ऑफ इट्स कैपेसिटी टू डू यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क समाया। तो यानी कि अगर किसी सिस्टम की फ्री एनर्जी जी है तो वो क्या मेजर कर सकता है कि इस सिस्टम के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो यूजफुल वर्क कर सके समाया। देखो भाई, गिव्स फ्री एनर्जी को फ्री एनर्जी क्यों बोलते हैं। देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विच इज फ्री और कन्वर्जन टू यूजफुल वर्क एंड इज देयरफॉर कॉल्ड फ्री एनर्जी समाया। इस चीज को रिमार्क करके लिख लो भाई, रिमार्क करके लिख दो, रिमार्क। देखो क्या रिमार्क लिखना है, क्या रिमार्क लिखना है, देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी, इट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी, पार्ट ऑफ एनर्जी समाया ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम विच इज फ्री फॉर, विच इज फ्री फॉर कन्वर्जन टू, फॉर कन्वर्जन टू यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क समय, एंड इज देयर फॉर कॉल्ड फ्री एनर्जी, एंड इज देयर फॉर, देयर फॉर कॉल्ड फ्री एनर्जी समाया, कॉल्ड फ्री एनर्जी। तो देखो भाई, मैंने आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया कि गिव्स फ्री एनर्जी को फ्री एनर्जी क्यों बोला जाता है समाया, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विच इज फ्री फॉर द कन्वर्जन टू यूजफुल वर्क एंड इज देयर फॉर कॉल्ड फ्री एनर्जी समाया। तो यानी कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी किसके बराबर होता है, यूजफुल वर्क के बराबर होता है समाया भाई। देखो 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 भाई, रिमार्क करके लिखो, रिमार्क करके लिखो, रिमार्क समय। अगर बात कर रहे हो, अगर बात कर रहे हो भाई इलेक्ट्रिकल वर्क की समय, जैसे हम गैल्वेनिक सेल में पढ़ते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क की, इलेक्ट्रिकल वर्क समय, जिसको हम किस में पढ़ते हैं, गैल्वेनिक सेल में पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं भाई, गैल्वेनिक सेल में, ठीक हो गया भाई। तो ये जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है समय, उसमें जो फ्री एनर्जी होती है डेल जी, उसको क्या देते हैं, माइनस एन एफ ई शेल समय भाई। तो यहाँ पे जो डेल जी होता है वो माइनस एन एफ ई शेल के बराबर होता है समय भाई। एन एन क्या है, एन है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन सेल रिएक्शन, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समय इन्वॉल्व्ड इन सेल रिएक्शन। एफ क्या है, फेराडे कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है भाई। और ई सेल क्या है, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल समय भाई। तो डेल जी इस तरह से देते हैं। देखो भाई, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो कॉन्सेप्ट फ्यूल सेल से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, फ्यूल सेल से रिलेटेड है समय भाई। तो फ्यूल सेल में क्या होता है, फ्यूल सेल में क्या होता है, देखो भाई वो बोलता है कि जो हीट इवॉल्व है, क्या है, हीट, हीट इवॉल्व्ड है समय, वो कंप्लीटली यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होता है, किसमें, यूजफुल वर्क डन में क्या होता है, कन्वर्ट नहीं होता है समय। उस यूजफुल वर्क डन को मैंने क्या बोला, डेल जी बोला समय भाई। तो मैंने क्या बोला, फ्यूल सेल में जो हीट इवॉल्व्ड है डेल एच, वो कंप्लीटली यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है भाई समय। इट मीन्स फ्यूल सेल की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती समय। इसका मतलब क्या है कि मैंने किसी सिस्टम को, मैंने किसी सिस्टम को 100 जूल की अगर एनर्जी दी है, मतलब जो उसमें हीट इवॉल्व्ड है वो 100 जूल है समाया,
और उसमें ही 100 जूल का वर्क डन हो जाए। समय फ्यूल सेल में ऐसा नहीं होता, 100 जूल का वर्क डन हो जाए, समय 100 जूल का क्या हो जाए, वर्क डन हो जाए। इट मींस ये 100 जूल का जो हीट इवॉल्व था 100 जूल के यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। फ्यूल सेल में ऐसा नहीं होता समय, अगर ऐसा होता जो इफिशियंसी थी समय वो क्या हो जाती, 100% हो जाती। क्या हो जाती भाई, 100% हो जाती। लेकिन लेकिन जो फ्यूल सेल है उसमें जो हीट इवॉल्व है वो कंप्लीटली यूजफुल वर्क डन में नहीं जाता है। इट मींस जो इसकी इफिशियंसी देते हैं, क्या देते हैं, इफिशियंसी, वो इफिशियंसी होता है डेल जी बाय डेल एच। ठीक हो गया। तो देखो भाई, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट करवाए हैं भाई। ठीक हो गया। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं ये सारी चीजें। ठीक हो गया भाई। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ वर्क समय। तो वर्क दो टाइप से था, एक था मैकेनिकल, मैकेनिकल और दूसरा था नॉन मैकेनिकल। दूसरा क्या था भाई, नॉन मैकेनिकल। ठीक है। जो मैकेनिकल वर्क डन था उसमें या तो एक्सपेंशन होगा या तो कंप्रेशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो मैं उसको क्या भी बोल सकता हूँ, वर्क ऑफ एक्सपेंशन बोल सकता हूँ, वर्क ऑफ एक्सपेंशन बोल सकता हूँ। समाया याद रखना, अगर नॉन मैकेनिकल वर्क डन है तो उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, मैकेनिकल वर्क डन में वॉल्यूम चेंज हो जाता है। वॉल्यूम जो है भाई वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन नॉन मैकेनिकल में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है समय। केवल क्या होता है, देखो भाई, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो यहाँ पे रिड्यूस होता है समय भाई। इट मींस जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो नॉन मैकेनिकल वर्क डन था उसमें क्या होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है भाई। ठीक हो गया। इस नॉन मैकेनिकल वर्क डन को क्या भी बोलते हैं, यूजफुल वर्क भी बोलते हैं, यूजफुल वर्क। और इस यूजफुल वर्क डन को समझाने के लिए मैंने आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दिया था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर H2O into H2+O2 समय। तो मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल वर्क डन क्या है और नॉन मैकेनिकल वर्क डन क्या है। और फिर इसके बाद मैंने आपको एक बहुत प्यारा डेरिवेशन कराया था, डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू यूजफुल समय भाई। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जो फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम है इज अ मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू डू यूजफुल वर्क समय। इट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज फ्री फॉर द कन्वर्जन टू यूजफुल वर्क, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री एनर्जी समय भाई। और इसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डेल जी होता है वो क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल के बराबर होता है। और फ्यूल सेल जो होते हैं उसमें जो हीट इवॉल्व है वो कंप्लीटली, या मैं बोलूँ 100% यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। इट मीन्स जो उसकी इफिशियंसी है, इफिशियंसी, इफिशियंसी समय, वो किससे दे सकते हैं, डेल जी बाई डेल एच से दे सकते हैं भाई समय। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना भाई। ठीक है। होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।